नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो तो साल 2017 में पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ का यह वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कि इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है वह रोएंगे। लेकिन आज 2023 यानी ठीक 7 साल बाद ऐसी बारी आ चुकी है जिसमें कि पेटीएम के साथ में जो हैं आज उनको रोना पड़ रहा है। तो क्या रहा है पेटीएम की पूरी राइस और डाउनफॉल की कहानी जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पेटीएम की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी। 2010 में पेटीएम केवल और केवल एक मोबाइल रिचार्ज का प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसके बाद धीरे धीरे पेटीएम की टेक्नोलॉजीज डेवलप होती गई और समय के हिसाब से इसमें नए नए फीचर्स ऐड करते गए। लेकिन मेन जो कंपनी में बूम देखने को मिला वो मिला था आपके साल 2016 के नवंबर महीने में, जब रातों रात पीएम मोदी ने डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया। जिसके बाद से पेटीएम ने अपने एड्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे पोस्टर्स छपवाए थे। पेटीएम कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग बोल्डेस्ट डिसीजन इन फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कि इन्होंने अपना खुलकर ऐड किया था और इस बात पे काफ़ी विरोध भी हुआ था कि ये अपने पर्सनल एडवर्टाइजमेंट के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पेटीएम पे कई बार यह सवाल भी उठते रहे हैं कि इनका सरकार के साथ कुछ ना कुछ गलत संबंध रहा है। लेकिन जो मेन रीजंस रहे हैं पेटीएम के डाउनफॉल के वो रहे हैं RBI के रूल्स को फॉलो ना करना। पेटीएम जो है लगातार अपनी मनमानी कई बार करता रहा है, जिसमें किसने RBI के कई सारे रूल्स को तोड़े हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है पेटीएम वॉलेट। अब पेटीएम वॉलेट में क्या होता है, जब भी आप अपना फंड ऐड करते हो तो यह आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है, जिसके कारण एक बार आपके पेटीएम वॉलेट में जो भी फंड आ गया उसका जो हिसाब किताब है वह सरकार के पास नहीं रहता। मान लीजिए आपके पास किसी ने 50 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए, अब उसने कहाँ से डाले, मान लीजिए उसने आपको पेटीएम वॉलेट से ही ट्रांसफ़र किया, अब इसका जो हिसाब किताब है ना वो आपकी करंट गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ें पेटीएम के अंदर देखने को मिल रही थी। जिसके बाद से RBI ने पेटीएम के ऊपर सख्त आदेश जारी किए और पेटीएम वॉलेट को भी इसको बैंक अकाउंट से लिंक करने के निर्देश दिए। हालांकि इसके अलावा भी पेटीएम के जो पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं इन पे भी तरह तरह के आरोप लगते रहे। अब इतनी बार नोटिस आ जाने के बाद जो पेटीएम के खुद का कस्टमर बेस है, यानी कि जो पेटीएम का स्टॉक्स जिन लोगों ने खरीद रखा है, उनको भी इस कंपनी पे भरोसा नहीं रह जाता है, जिसके कारण लोग अपने पेटीएम पे किए हुए निवेश को वापस खींचने लगते हैं। और लगभग विथ इन 7 डेज जो पेटीएम का स्टॉक 700 के ऊपर चल रहा था वह गिरकर 300 के आसपास आकर अटक गया है और अपने लोअर लिमिट को टच कर चुका है। अब इस बीच जो पेटीएम का मेन डाउनफॉल का रीज़न रहा है वो आता है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत से ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जो कि पेटीएम के इस पूरे धांधलेबाजी को सामने रख रहे हैं, और एज अ रिजल्ट पेटीएम को यहाँ पे डाउनफॉल देखना पड़ रहा है।